अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो की टॉपिक 03 ब्रिटिश राइफ़ल के ऊपर है। आप देख रहे हैं इसको बुलेट एक्शन राइफ़ल है और काफ़ी पुराना राइफ़ल है, तो इसकी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी जो है ना, हमारा दोस्त है वो आपके साथ, वो बहुत एक्सपीरियंस रखता है, तो वो आपके साथ इसकी कुछ मालूमात शेयर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। जय अहमद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, नासमझ लोग और अंडर एज लोग इन चीज़ों का शौक़ न करें, वो अपनी एजुकेशन और स्टडी पे फोकस करें, ये हमारे माशरे के लिए फ़ायदा मंद है। आज की वीडियो जनाब हमारी है ब्रिटिश ली एनफील्ड एसएमएलई मार्क 3 स्टार पर। ये ब्रिटिश बरतानिया का बना हुआ 303 बोर राइफ़ल है, जो पहली जंग अजीम से दूसरी जंग अजीम तक और कोल्ड वार ईरा में इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही रेयर राइफ़ल है आजकल के दौर में। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कंडीशन में है, इस ओरिजिनल कलर में है, और इसकी जनाब ये बोल्ट एक्शन राइफ़ल है। इसमें 10 राउंड डिटेचबल बॉक्स मैगजीन लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैगजीन, इसमें 10 राउंड आते हैं 303 बोर के। ये इसके कार्ट्रिजेज हैं, कार्ट्रिजेज जो है वो दो कलर में आते हैं, ये एक रेड है और ये वाइट बुलेट वाले। दोनों जो है वो तकरीबन, एक जो है 1943 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और ये जो वो रेड है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी 1943 है। इसमें 1942 और 41 भी है जनाब। इसकी इफ़ेक्टिव रेंज जो है तकरीबन 800 मीटर तक है, और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसको आप यहाँ पे मैगजीन, इस तरह डिटेचबल बॉक्स मैगजीन है, ये आप अटैच कर ले, और ये इसका बोल्ट एक्शन, बहुत ही स्मूथ बोल्ट एक्शन राइफल है। ये इसका लॉक सिस्टम है, आप इसको पीछे करेंगे ये बिल्कुल इसका लॉक जो है वो फ्री हो जाएगा, इसका बोल्ट जो है बिल्कुल वो लॉक हो जाएगा। इसमें लॉक सिस्टम है और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी देता है, तकरीबन 500 से लेकर 800 मीटर तक। इसकी बट स्टॉक में आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है एलॉय स्टील का लगा हुआ है बट प्लेट, ये फुल ओरिजिनल कंडीशन में है, ये आप देख ले। तो इसमें और अदर कंट्रीज़ की, फ्रांस की और जर्मनी की भी 303 राइफ़ल है, लेकिन एसएमएलई की पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें एक एसएमएलई एशापुर है, ये मार्क 3 स्टार है। इसमें दूसरा जो मॉडल है इसके बाद मार्क 4 आता है, इससे पहले मार्क 1 और मार्क 2 है, और इसका सबसे जो लास्ट एसएमएलई राइफ़ल है वो मार्क 5 जंगल कारबीन या पैराट्रूपर राइफ़ल है। ये पहली जंग अजीम से तकरीबन दूसरी जंग अजीम 1960-70 तक इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थी, और आजकल ये तकरीबन इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, यहाँ पे आप फोकस करें 1910 इसकी मिले, तो 111 साल की ये राइफ़ल है जो आजकल ये एंटीक में, इस पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश क्राउन लगा हुआ है, ये ताज बरतानिया का ट्रेड मार्क था। एसएमएलई इसका जो है वो फैक्ट्री, और मार्क 3 इसका मॉडल है स्टार, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त राइफ़ल है। मैं ये मशवरा दूंगा जिन दोस्तों के पास है वो इसके ख्याल रखें और इसके केयर करें, क्योंकि ये आजकल बिल्कुल नापेद हो चुके। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, ये अहमद भाई ने आपके साथ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के शेयर किया। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, मेरा करीबी दोस्त है जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसलिए जो है ना इसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और इसके साथ प्रोग्राम भी करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।